हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल दी एग्जाम हेल्पर पर। दोस्तों, फाइनली आपके जो एसएससी सीएचएसएल का एग्जाम होने वाला है 1 जुलाई से लेकर जो कि आपका 12 जुलाई तक चलने वाला है, उसके लिए जो आपके एडमिट कार्ड है वो आउट हो चुके हैं। किस तरीके से आपको डाउनलोड करना है, मात्र एक सिंगल क्लिक में आप डाउनलोड कर सकते हैं, तो वो कुछ आपको पूरा इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो वीडियो को जो है शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा, जिससे आप कोई भी स्टेप जो है मिस ना कर सकें। सबसे पहले तो आपको क्या करना है, आपके मोबाइल में जो है टेलीग्राम का ऐप होना चाहिए, ठीक है। टेलीग्राम का ऐप नहीं है तो उसे डाउनलोड कर लीजिए, और वहाँ पर ये जो सर्च बार दिख रहा है यहाँ पर आप मेरा नाम डालेंगे, इसका नाम है द एग्जाम हेल्पर। 16,500 से ज़्यादा कैंडिडेट जुड़े हुए, वहाँ पर जुड़ जाना। यहाँ पर आपको ऊपर ही ये दिख जाएगा एसएससी सीएचएसएल एप्लीकेशन स्टेटस एंड एडमिट कार्ड स्टेटस आउट। यहाँ पर सभी रीजंस के मैंने यहाँ पर जो लिंक्स हैं वो दे दिए, जैसे कि मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ, ठीक है। देखिए देखिए, टोटल 9 रीजंस है आपके, सभी रीजंस की मैंने यहाँ पर जो है लिंक्स आपको दे दिए। अब किस तरीके से लिंक वर्क करते हैं, चलिए एक बार दिखाया था हूँ। जैसे अगर किसी को एसआर रीजन का एडमिट कार्ड या एडमिट कार्ड स्टेटस देखना है, या उसको एडमिट कार्ड डाउनलोड करना है, या अपनी एग्जाम की सिटी देखनी है, तो किस तरीके से देखा। देखिए, अगर आपको केवल एप्लीकेशन स्टेटस देखना, तो आप इस पर क्लिक कर देंगे इस लिंक पे, और ये आप यहाँ पर आ जाएंगे। फिर आप अपनी ऑनलाइन ऑनलाइन जो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर था, फॉर्म आपने भरा हुआ था, उसका डाल के और डेट ऑफ बर्थ डाल के यहाँ से आप शो कर सकते हैं। इसके अलावा बात करूं कि आपको आपका एग्जाम का सिटी देखना है ना, नो योर रोल नंबर, टाइम, डेट एंड शिफ्ट एंड प्लेस ऑफ एग्जामिनेशन, तो उस लिंक पर क्लिक करेंगे और यहां से आप वही चीज़ रजिस्ट्रेशन नंबर डाल के इसे चेकआउट कर सकते हैं। इसी तरीके से देखिए, केकेआर रीजन के लिए भी 2 लिंक है, एक है एप्लीकेशन स्टेटस जो कि आपको यहाँ पर दिख रहा है, दूसरी है एग्जाम का स्टेटस, यानी कि आपका एग्जाम कब है। इसी तरीके से एनईआर रीजन है, जहाँ पर एडमिट कार्ड भी आउट हो चुके हैं, देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ। इस तरीके से क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर एनजी ये लिखा हुआ है स्टेटस एंड एडमिट कार्ड, ठीक है, इस तरीके से। इसी तरीके से अगर आप एमपी रीजन्स में जाएंगे, देखिए मैं एमपीआर रीजन का दिखा देता हूँ, एमपीआर रीजन में क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर आ जाएंगे। यहाँ लिखा हुआ है स्टेटस या डाउनलोड एडमिट कार्ड फॉर कम्बाइंड हायर सेकेंडरी लेवल 10+2 एग्जामिनेशन 2024 टीयर फर्स्ट टू बी हेल्ड फ्रॉम 1 जुलाई से 11 जुलाई, ठीक है। 11 जुलाई तक चलेंगे, यानी कि 12 जुलाई तक आपके कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है, 12 जुलाई लास्ट डेट है। ओके, तो ये आपका रहने वाला है। अब इसको कैसे आपको चेकआउट करना है, अगर आप एमपी से बिलोंग करते हैं तो देखिए किस तरीके से आपको चीज़ें करनी है। यहाँ पर आप दो तरीके से अपना जो रोल नंबर एडमिट कार्ड है उसको चेक कर सकते हैं, एक तो आपके पास रोल नंबर या रजिस्ट्रेशन नंबर आईडी है वो डालकर और डेट ऑफ बर्थ डालकर इस पर टिक करके यहाँ पर सर्च मारेंगे तो हो जाएगा। दूसरा, आप अपने नाम के 4 अक्षर यहाँ पर डाल देंगे और फादर्स नेम के 4 फर्स्ट 4 लेटर डाल देंगे, यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ डाल देंगे और इसको क्लिक करेंगे, और इसके फिर नीचे आप जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आप नीचे जाएंगे, मैं आपको दिखा देता हूँ, देखिए यहाँ पर नीचे जाएंगे सर्च पर, तो सर्च बार खुल जाएगा आपका, ठीक है। जो यहाँ से जो डाउनलोड होगा वो किस तरीके का दिखेगा, चलिए मैं एक बार दिखा देता हूँ। तो कुछ इस तरीके का आपका जो देखिए यहाँ लिखा हुआ है कि स्टेटस ऑफ कैंडिडेट है ना, यहाँ पर लिखा हुआ, तो ये क्या है आपका, ये आपका एग्जाम का स्टेटस है, कि एग्जाम का स्टेटस किस तरीके से आपका आया हुआ है ये आपका वो बता रहा है। यहाँ पर देखिए आपका नेम होगा, जो कि ये है आपका कैंडिडेट का नेम रोहित जाटव, फादर्स नेम होगा मैंने हाइड कर दिया, एड्रेस यहाँ पर आपका घर का एड्रेस डाला हुआ, यहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन नंबर एंड यहाँ पर आपका रोल नंबर दिया हुआ होगा, ठीक है। ये और यहाँ पर जो मेन चीज़ है वो दे रखी होगी आपकी, जैसे कि डेट ऑफ एग्जामिनेशन क्या है, तो इनका एग्जाम है 11 जुलाई 2024, और इनकी जो शिफ्ट रहेगी वो 2:30 बजे से लेकर 3:30 की शिफ्ट रहेगी। इनकी सिटी ऑफ एग्जाम जो रहेगी वो ग्वालियर रहेगी, और इनके फॉर्म स्टेटस में लिखा हुआ है कि आपका फॉर्म जो है वो स्वीकार किया जाता है, यानी कि एक्सेप्टेड है, ठीक है। अब यहाँ पर एक नीचे चीज़ लिखी हुई है जो कि मैं आप दिखा देता हूँ कि क्या चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है। देखिए यहाँ पर एक नीचे चीज़ लिखी हुई है जो कि मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। देखिए ये लिखा हुआ है कि यह परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र नहीं है, यह केवल आपकी परीक्षा की तारीख, पाली और समय, परीक्षा के लिए इत्यादि के लिए जानकारी है, ठीक है। और आपका जो यहाँ पर लिखा हुआ है कि योर एग्जाम विल बी हेल्ड ऑन 11 जुलाई 2024, यू कैन डाउनलोड एंड प्रिंट योर एडमिट कार्ड फ्रॉम 7 जुलाई 2024, यानी कि आपका जो एडमिट कार्ड है, देखिए 11 तारीख को है तो 7 तारीख को आप डाउनलोड कर पाएंगे, 8, 9, 10 और 11, यानी कि 4 दिन पहले आप अपना जो एडमिट कार्ड है वो आप डाउनलोड यहाँ पर कर सकेंगे, ठीक है। सभी रीजंस के लिए इतना ही रहता है, 3 या 4 दिन पहले आपका जो एडमिट कार्ड है वो डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो एक बार मैं फिर से आपको बता देता हूँ सारी चीज़ें कि कहाँ से आपको करना है, ठीक है। टेलीग्राम डाउनलोड कर लेना है ना, टेलीग्राम पर डाउनलोड करके यहाँ पर सर्च बार में नाम डाल देना, जिसका नाम है द एग्जाम हेल्पर, ये वाला नाम देख लो, ये सारी लिंक्स मिल जाएंगी, सारे रीजंस वगैरह की यहाँ पर मैंने लिस्ट दे रखी है आपको, ठीक है। इस तरीके से करेंगे, उस पर क्लिक करेंगे और वहां से आप अपना चेकआउट कर सकेंगे, ठीक है। ये सारी यहाँ पर लिंक दे रखी है, ओके, और वही आपका डेट ऑफ बर्थ, सिटी वगैरह सब आ जाएगा, है ना। और इसके बाद है ना, जो भी, जैसे किसी का मान के चलिए 1 जुलाई को है, तो 1 जुलाई को है ना,
तो उसको आज की डेट में उसका एडमिट कार्ड शो होने लगा होगा, या कल की डेट में तो फाइनली उसको जो उसका स्टेटस है 1 जुलाई को जिस जिसका एग्जाम है उसका जो आपका एडमिट कार्ड है वो आपका शो हो गया होगा, फुल्ली एडमिट कार्ड यहाँ पर आउट हो चुका होगा। ठीक है, तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपका एग्जाम जो है वो किस सिटी में, किस डेट में, किस सीट में आपका एग्जाम होने वाला है। ठीक है, तो जल्दी जाइए, ये सारी लिंक्स हैं और इसको क्लिक करके डाउनलोड कर लीजिएगा। एडमिट कार्ड के साथ कौन कौन से वो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट होते हैं जो कि आपको एग्जाम में ले जाने चाहिए, ठीक है, जिससे आपको एग्जाम में कोई भी दिक्कत का सामना ना करना पड़े, क्योंकि वहां पर क्या होता है बच्चे कुछ आईडीज वगैरह नहीं लेके जाते, कुछ वहां पर जो एडमिट कार्ड की फॉर्मेलिटीज होती हैं है ना, तो वो आप वहां पर लेके नहीं आते, फोटो में दिक्कत होती है, तो ये चीजें सारी आप अवॉइड कीजिएगा, है ना। मैं बता दूंगा कि आपको किस तरीके से चीजें करनी है, कब पहुंचना है, क्या क्या लेकर जाना है, तो उसका इंतजार करिएगा, उसको वीडियो आपको चैनल पर मिल जाएगा बहुत जल्द आने वाला, क्योंकि उसकी वजह से काफी सारे लोग जो है उनका एग्जाम का जो एग्जाम है वो छूट जाता है। ठीक है, तो उस वीडियो को जरूर देख लेना। उसके लिए क्या करना है, सिंपली आपको मेरा जो चैनल है नीचे एक सब्सक्राइब का बटन होगा उसको दबा लीजिए ना, और बगल में एक घंटी का निशान होगा उसको दबा लीजिए, जैसे ही मैं वीडियो डालूंगा तो आपको तुरंत मिल जाएगी। और जैसे ही आपके 1 जुलाई से एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे तो एग्जाम में क्या क्या पूछा जा रहा है, किस किस लेवल के क्वेश्चन है, किस किस टॉपिक से पूछे जा रहे हैं, मैं आपको बता दूंगा, तो उसके लिए चैनल पर बने रहिएगा। और ये जल्दी जाइए, इसको चेकआउट कर लिए और मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बता दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।